गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है संडे, आज आपके लिए हम लेके आ गए हैं लेक्चर 5 HTML का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे HTML फॉर्मेटिंग टैग। HTML के कुछ फॉर्मेटिंग टैग हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने फॉर्मेटिंग टैग इन HTML का नोट्स यहाँ पे बना लिया है, जिनको हमने सीरियल वाइज लिखा है, इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टैग है हमारा बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट, स्ट्राइक टेक्स्ट, मोनोस्क्रिप्ट टेक्स्ट, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट, लार्जर टेक्स्ट और स्मॉलर टेक्स्ट। ये 11 टाइप्स का हमने लिख लिया है। इनके जो टैग हैं हमने पीछे लिख के रखा है, बोल्ड का बी, इटैलिक का आई, अंडरलाइन का यू, ऐसे सबके टैग पीछे लिखा हुआ है। ये सारे हमारे कंटेनर टैग हैं। तो अब इनका हम एक प्रोग्राम करेंगे, आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसका प्रोग्राम भी देखिए हमने राइट डाउन कर लिया है नीचे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम कॉपी पेस्ट करेंगे नोटपैड पे और रन करा के देखेंगे, जैसे कि अभी तक हर वीडियो में हम आपको पढ़ाते आए हैं। हमने कॉपी कर लिया, नोटपैड टेक्स्ट एडिटर हमने खोल लिया, नोटपैड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इस प्रोग्राम को, ठीक है। इस प्रोग्राम को पेस्ट करने के बाद हम इसे सेव कर लेंगे HTML एक्सटेंशन में। formatting.html इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और formatting.html को ओपन करेंगे। ये हमारा क्रोम वेब ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि क्रोम हमारा बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये रिजल्ट आ गया है। एक साइड में हम आपका प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं और एक साइड में उसका रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें लिखा है दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए दिस इज बोल्ड टेक्स्ट दिखा रहा है। दूसरा हमने लिखा है दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, तो ये जो इटैलिक टैग के अंदर लिखा है इटैलिक दिखा रहा है, लेकिन अब ये दिखने में हमें सुंदर नहीं लग रहा है, तो समझने में कन्फ्यूजन होगी। तो इसके लिए फिर हम BR टैग यूज कर सकते हैं, जिससे सारी लाइन हमारी अलग है। तो हर लाइन के पीछे हमें BR लिखना होगा, जिससे अलग होगा। लेकिन इसके अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ाई है आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, प्री टैग, जो कि प्री फॉर्मेटिंग दिखाता है। तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, प्री टैग। ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिख गया और फिर इसके नीचे हम प्री टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर्मेटिंग हमारा इधर लिखा है वैसे ही उधर रिजल्ट पे आएगा। इसे हम सेव करके ये हमने रिफ्रेश किया, देखिए जैसा इधर लिखा है वैसा इधर आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड भी इसमें लगा लेते हैं। तो बॉडी का एट्रीब्यूट हमारा बीजी कलर, इसमें हम बीजी कलर दे देते हैं रेड। सेव किए, रिफ्रेश कर लिए, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा दिखे, ठीक है। तो देखिए हम एक एक डिस्कस करते हुए चलेंगे, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अभी आप लोगों को दोनों तरफ बड़ा दिख रहा है। तो देखिए अब हम स्टार्टिंग से प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। डॉक टाइप HTML हम लोग लिखते हैं, जो कि वर्जन के लिए HTML वर्जन, जिससे वेब ब्राउजर को पता चले वर्जन 5 का है। HTML हमारा स्टार्टिंग टैग होता है HTML प्रोग्राम में। फिर हेड आता है, हेड के बाद टाइटल आता है। टाइटल हमने फॉर्मेटिंग टैग दे दिया है, जो कि टाइटल हमारा यहाँ पे शो कर रहा है रिजल्ट में ऊपर टाइटल बार में। ये पहले से कुछ खुला हुआ है टाइप, ये हम हटा देते हैं इसे। तो टाइटल और फॉर्मेटिंग टैग शो कर रहा है। फिर टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हमने आपको लेक्चर 1 में बताया है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं और इंस्टाग्राम
के साथ साथ हमारे टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन हो जाएं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर बॉडी के अंदर हम मेटल लिखते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर हमने बीजी कलर लगा दिया जो कि रेड दिख रहा है। बीजी कलर की स्वेलिंग इसमें COLOR कॉलर होती है, बीजी मतलब बैकडॉग। इक्वल लगाया डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, कलर का नेम दे दिया तो ये रेड आ गया। फिर प्री टैग हमने क्यों लगाया, जैसी फॉर्मेटिंग इधर है वैसी फॉर्मेटिंग में हमको रिजल्ट आ गया। अगर हम प्री टैग नहीं लगाए थे तो सब एक लाइन से यहाँ तक लिखा हुआ था जैसे अभी आपने देखा। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेटिंग टैग जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं, 11 फॉर्मेटिंग टैग। सबसे पहला बोल्ड, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, तो बोल्ड उसका नेम है तो इसीलिए जो नेम है उसी के हमने टैग में रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, तो बोल्ड को हमने बोल्ड टैग में रखा है, मतलब बोल्ड टैग बी से लिखा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बोल्ड जो हो रहा है बोल्ड दिखा रहा है। दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट को हमने इटैलिक को हमने टैग के अंदर रखा है तो फिर ये हमारा इटैलिक दिखा रहा है कि थोड़ा टेढ़ा लिख किया था इटैलिक में। अंडरलाइन, अंडरलाइन को हमने यहाँ पे अंडरलाइन टैग में रखा है तो फिर हमारा अंडरलाइन हो गया रहा है। स्ट्राइक टैग, देखिए स्ट्राइक टैग में हम लोग स्ट्राइक ही लिखते हैं, टैग का नेम भी स्ट्राइक होता है। और स्ट्राइक टैग जिस भी टेक्स्ट में हम लगाते हैं उसके ऊपर एक क्रॉस की लाइन बन के आती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्राइक टैग है ना। और फिर क्या है, दिस इज मोनो स्कैप फॉन्ट, तो जो मोनो स्कैप हमारा एक फॉन्ट होता है और इसका टैग जो हमारा TT दो बार लिखा रहता है, यहाँ पे TT दो बार लिखा रहता है टैग के अंदर, तो ये हमारा मोनोस्कैप फॉन्ट होता है। जैसे हमने आगे TT लिखा टैग, फिर पीछे टैग ये क्लोज किया तो ये हमारा मोनोस्कैप फॉन्ट। देखो आगे जो लिखा है दिस इज और पीछे फॉन्ट, तो इससे थोड़ा चेंज दिख रहा है ना मोनोस्कैप, तो एक फॉन्ट है तो यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, सुपर स्क्रिप्ट का के लिए हम लोग SUP बस लिखते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट जो है हमारा SUP टैग के अंदर है, मतलब वो सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखे आ रहा है ना, वो थोड़ा ऊपर लिखा रहा है। जैसे कि हम पावर ऐसे ही लगाते हैं 2 की पावर 4 या x की पावर 2 है ना, x की पावर 3, तो ऐसे ही ऊपर हम लोग पावर लिख सकते हैं, वो भी अभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको पावर के लिए हम दिखाए तो इसी के नीचे एक लाइन और लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा x है ना, फिर यहाँ पे हमने सुपर स्क्रिप्ट टैग ओपन किया 2 लिखा, सुपर स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया, ठीक है। फिर इसको हमने रिफ्रेश किया, देखिए x की पावर 2 आ गया इसके नीचे है ना, तो ये चीज लिखने से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। ऐसे दिस इज सुपर स्क्रिप्ट टैग है ना, सॉरी दिस इज सब स्क्रिप्ट है ना, सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट, सब स्क्रिप्ट जो कि थोड़ा नीचे लिख के आता है पूरे कंटेंट से, और उसका टैग होता है SUB। तो SUB हमने आगे ओपन किया, SUB पीछे क्लोज किया और बीच में सब स्क्रिप्ट लिख दिया, तो सब स्क्रिप्ट हमें यहाँ शो कर रहा है। जैसे कि ऐसे हम H2 लिखते हैं तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, H लिखा हमने, ये टैग ओपन कर दिया हमने सबका, फिर 2, फिर यहाँ पे सब लिखा है ना, और फिर वो बाहर लिख दिया। इस टैग को हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पे सेव किया और रन कराया, देखिए H2 लिख के आ गया, मतलब H2 में 2 हमेशा थोड़ा नीचे रहता है ना H और O से, तो ऐसे हम लोग सब स्क्रिप्ट का यूज करके H2 लिख सकते हैं। दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए हम लोग जो टैग लगाते हैं उसमें सिर्फ INS लिखते हैं, ये सारे कंटेनर टैग हैं इसलिए सबको पीछे क्लोज किया गया। इंसर्ट किया जाता है ना कोई, फिल इन द ब्लैंक्स में नीचे एक लाइन लिखी रहती है, उसमें कोई टैग हमको लिख कुछ भी टेक्स्ट लिखना रहता है, तो इंसर्टेड टेक्स्ट मतलब वो दिखाया जा रहा है एक लाइन के द्वारा, ये अंडरलाइन नहीं है। इंसर्टेड और अंडरलाइन में डिफरेंस है, अंडरलाइन में जो टेक्स्ट लिखा है उसी को अंडरलाइन किया जाता है, और इंसर्टेड में जो टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है। फिर ऐसे दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट में हम लोग डेल टैग का यूज करते हैं, डेल टैग को क्लोज करेंगे हमारे कंटेनर टैग, फिर डिलीटेड के ऊपर एक क्रॉस लाइन आ रही है, जैसे स्ट्राइक में कट के आ रहा था वैसे डिलीटेड के लिए कट के आ रहा है डिलीटेड टेक्स्ट। फिर दिस इज लार्जर टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट हमें लार्जर लिखना है, जो आगे पीछे लाइन में टेक्स्ट लिखा है उसे लार्जर थोड़ा लिखना है, तो उसके लिए हम लोग बिग लिखेंगे टैग का, जो है कि हम लोग बिग लिखेंगे टैग के अंदर और उसको क्लोज करेंगे तो हमारा लार्जर टेक्स्ट हो जाएगा। फिर दिस इज स्मॉलर टेक्स्ट है ना, दिस इज स्मॉलर टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आगे पीछे उससे हमें स्मॉल में लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉलर
का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग टैग में सिर्फ स्मॉल लिखेंगे और स्मॉल को क्लोज कर देंगे, तो ऐसे हमारा वो सबसे थोड़ा स्मॉल दिखेगा। फिर उसके बाद हमने प्री टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया जो कि ऊपर ओपन किया था, उसके बाद हमने बॉडी क्लोज कर दिया और एचटीएमएल क्लोज कर दिया, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।